आज का ये वीडियो एक रिएक्शन वीडियो है और जब मैं YouTube पर स्क्रॉल कर रहा था तो अचानक ये वीडियो मेरे सामने आया जिसमें डॉक्टर ओम जे लखानी ने तीन उनके केसेस डिस्कस किए हैं। जब मैं केसेस को सुनने लगा तो मुझे लगा एक रिएक्शन वीडियो बनाना चाहिए। ये वीडियो एंडोक्राइनोलॉजी इंडिया नाम के चैनल के अंतर्गत बनाया है और इसमें जो मैंने देखा कि एज पर द डायबिटीज प्रोटोकॉल जो ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए उसमें और जो डाइट और लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करके डायबिटीज के मरीज में लाभ पाया जा सकता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक राइट साइड जाता है तो दूसरा एकदम लेफ्ट साइड जाता है। आइए देखते हैं इनका फर्स्ट केस क्या है। ये खास तौर से उन मरीजों के लिए जरूरी है जिन मरीजों को डॉक्टर ने इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने के लिए बोला है या जो ओबीज हैं उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही, वो पेशेंट्स इसे खास तौर से देखें। और यदि आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और इस तरह के पेशेंट्स के साथ में जरूर शेयर करें जिससे सोशल अवेयरनेस बने डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए डायबिटीज में। तो देखते हैं डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं उनके केस के बारे में। So this is a 51 year old male patient, has diabetes, type 2 diabetes since the last 5 years. He has benign prostatic hyperplasia, BPH, and he's planned for a surgery for the prostate. He has history of recurrent genitourinary tract infection. He's an obese guy, 102 kgs with height of 175 and BMI of 33 and blood pressure of 173/100. So blood pressure is also. तो आपने देखा ये कि 51 साल का पेशेंट है जिसकी हाइट है 175 सेंटीमीटर और वजन है 102 किलो मतलब 27 किलो ज्यादा। अक्सर मैं आप लोगों को बताता हूं कि दरअसल डायबिटीज की शुरुआत जिस दिन आपकी डायबिटीज डायग्नोज हुई है उस दिन से नहीं होती, इसकी शुरुआत 5 या 10 साल पहले आपके शरीर में हो जाती है। और यदि आप ओबीज हैं और टाइप 2 डायबिटीज है तो आपके शरीर में इसकी शुरुआत होती है फैटी लिवर से, क्योंकि जब आप अपने डाइट में अधिक कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपकी बॉडी आपका लिवर इसको कन्वर्ट करता है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट या शुगर को फैट के अंदर, तो आपका लिवर हो जाता है फैटी लिवर। फिर लिवर इस फैट को पुश करता है ब्लड फ्लो में तो आपका डिसलिपिडीमिया आता है, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। और फिर जब ये फैट आपके बॉडी में जाके डिपॉजिट होता है तो धीरे धीरे ओबेसिटी आती है और इसके साथ बढ़ता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब जब बड़ी मात्रा में खून की नलियों के अंदर लिपिड ट्रैवल करेगा तो डिपॉजिट भी होगा, जमेगा, तो इसके कारण खून की नलियां पतली होंगी, एथेरोस्क्लेरोसिस होगी और फिर आएगा ब्लड प्रेशर। जैसा इस पेशेंट में आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उसको ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम आने लगी है, मतलब उसको फैटी लीवर हो गया है, डिसलिपिडीमिया का भी डिस्कशन हुआ या आगे होगा, इसके साथ में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ गई, फिर मोटापा तो सामने दिख ही रहा है और मोटापा होगा तो मरीज को स्नोरिंग भी आएगा ही। फिर जब मरीज आगे जाकर के डायबिटिक होता है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन तो बार बार होना लाजमी है क्योंकि शुगर बढ़ती हुई ब्लड शुगर के साथ में यूरिन के अंदर जाती है। इसके साथ में मरीज के गर्दन के चारों तरफ डार्क कलर के घेरे और उनके अंदर स्किन टैग्स आने लगते हैं। कुछ मरीजों को महिलाओं के अंदर खास तौर से हाइपोथायराइडिज्म और पीसीओएस की भी शिकायत आना शुरू होती है, पर इसके अपार्ट मेल्स के अंदर या इवन फीमेल्स में पैरों में न्यूरोपैथी की समस्या आती है। और चूंकि इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है, यह आपके ऑर्गन्स का बॉडी का साइज बढ़ाता है तो पेशेंट्स के अंदर प्रोस्टेट की समस्या आती है, जैसा इस केस के अंदर भी देखने में मिल रही है। परंतु हम करते क्या है, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा तो ब्लड प्रेशर की गोली खा लो, या फिर डिसलिपिडीमिया हुआ, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो उसकी एक दूसरी गोली खा ले, फैटी लिवर है तो उसकी एक गोली दे दी जाती है, फिर इसके बाद में अगर प्रोस्टेट आया तो प्रोस्टेट की सर्जरी कर दी जाती है, कोई फिर दूसरे मेजर कॉम्प्लिकेशन हार्ट या ब्रेन रिलेटेड आए तो उनकी दवाइयां या सर्जरी गाइड कर दी जाती है। तो हम इन चीजों को मैनेज करते हुए आगे चलते हैं, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि हम अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट को घटाकर या फिर अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके इसमें अथाह लाभ पा सकते हैं, जैसा आपने हजारों सैकड़ों ही नहीं हजारों मरीजों के अंदर होते हुए देखा है और मैंने उनके वीडियोस भी अपलोड की हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या कहते हैं डॉक्टर। नाउ
look at his investigations. His fasting sugar is 156, post meal is 289, HbA1c is very high, 9.4, creat is 1. He's having microalbuminuria 45, but he's also having pus in the urine. So when you generally have UTI, you have to be careful that sometimes you may have a false positive urine albumin creat ratio. On ECG, he has left ventricular hypertrophy. Blood pressure is also high, as you can see. His LDL is also high. Triglycerides are slightly higher. Does not have diabetic retinopathy at present and has mild sensory diabetic neuropathy. तो आपने देखा मरीज के ब्लड शुगर बढ़े हुए हैं. ब्लड शुगर 150 के ऊपर है फास्टिंग में. पीपी जो है वो 250 के ऊपर है. HbA1c करीब 9.5 है. उसके साथ में प्रोस्टेट का साइज बढ़ा हुआ है. ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए आ रहे हैं. उसके साथ में प्रोस्टेट का साइज बढ़ा है. वेंट्रिकल का हार्ट के ऊपर असर आना शुरू हो गया है. उसके साथ में न्यूरोपैथी भी है. ब्लड प्रेशर की भी समस्या है. और इसके साथ में रेटिनोपैथी नहीं है परंतु पेरिफेरल न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम शुरू हो गया है. अब ऐसे केसेस में जब दवाइयां चलती हैं तो वो आगे के लिए हम देखेंगे कि क्या दवाइयां दी जा रही हैं और फिर क्या सजेस्ट किया जा रहा है. अक्सर जब दवाइयां ऐसे केसेस में फेल हो जाती हैं तो डॉक्टर्स इंसुलिन का सपोर्ट लेने के लिए बोलते हैं. तो आइए देखते हैं आगे डॉक्टर ने क्या इनको सजेस्ट किया है और क्या दवाइयां इनकी चल रही हैं. सो दीज आर दी प्रोफाइल ऑफ दिस पेशेंट. नाउ व्हाट इज ही ऑन? Unfortunately, you can see he is having recurrent genitourinary tract infection, yet he is still on dapagliflozin. So he is having sitagliptin, metformin and dapagliflozin, not a very ideal combination, with 2 mg of glimepiride. So he is on 4 oral antidiabetic drugs and he is nowhere close to target in terms of HbA1c reduction. अब यहाँ सबसे बड़ी बात क्या उन्होंने कही? चार दवाइयां चल रही हैं, उसमें एक है ग्लिमिप्राइड. जिन मरीजों को ग्लिमिप्राइड लंबे समय तक चलती है, कम से कम 2 से 5 साल या 10 साल, अक्सर वो मरीज काफी क्लोज पहुंच जाते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन के. दूसरा, मरीज को डेपाग्लिफाजोन SGLT2 इनहिबिटर चल रहा है जो ग्लूकोज को यूरिन के अंदर फेंकता है, जिससे यूटीआई होने का खतरा बढ़ जाता है. तो वही वो बोल रहे हैं कि ये नहीं दिया जाना चाहिए. पर अब आगे ये भी क्या करेंगे मालूम है? ये इनको एगार्बोस या फिर अल्फा ग्लाइकोसिडेज इनहिबिटर देंगे तो यूरिन फ्लो तो ओके हो जाएगा, पर मरीज के फिर पेट में गैस और गैस की शिकायतें होने लगेंगी. वो दवाई करती क्या है? वो दवाई दरअसल आपके भोजन के स्टार्च को टूटने से रोकती है और उसको ऐसे के ऐसे ही संडास में निकाल देती है. तो अब ये यूरिन का फ्लो ठीक करेंगे, अब संडास के अंदर जो तकलीफ पैदा करे, गैस ज्यादा बनाए, वो गोलियां चालू कर दी या फिर इंसुलिन के ऊपर ले लेंगे, क्योंकि चार दवाइयां ऑलरेडी चल रही हैं. जबकि इसी मरीज को अगर डाइटरी प्रोटोकॉल में डाला जाए तो इस मरीज को इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी. आइए आगे सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है. सो दिस इज द पेशेंट, राइट? करंट इशू इज दैट ही इज प्लान्ड फॉर प्रोस्टेट सर्जरी नियर फ्यूचर. सो नॉट ओनली डू वी हैव अर्जेंसी इन टर्म्स ऑफ ग्लाइसेमिक कंट्रोल, बट अर्जेंसी इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल सेंस ऑल्सो, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी प्लान्ड फॉर अ सर्जरी. So this is the profile of this patient all in all, right? So what did I do for this patient? Okay, so this is what I did. Okay, so first of all, first question is, does he need insulin? Okay, yes or no? Okay, so answer is yes. Multiple reasons why he needs insulin. First and foremost, remember, if you see the guidelines say if HbA1c is more than 8.5% with 3 or more oral antidiabetic drugs, you have to give insulin, right? So I think we agree based on the guidelines, and also remember his plan for surgery, so he has to be given insulin, right? So we agree to that. तो आपने ये सुना कि पेशेंट को इंसुलिन के ऊपर डाल दिया गया. क्यों? क्योंकि वो चार दवाइयां ऑलरेडी ले रहा था और गाइडलाइन कहती है कि अगर कोई मरीज 3 या 3 से अधिक या 4 दवाइयां ले रहा है, ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, HbA1c 8.5 के ऊपर है उसके बाद, तो बेटर है कि उसको इंसुलिन पर डाल दें. डॉक्टर्स अक्सर इन्हीं प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं. अब इस मरीज को अगर डाइटरी प्रोटोकॉल पर डाल दिया जाए, जैसा मैंने एक वीडियो पहले शेयर भी किया है मिस्टर श्याम मंगल का, जो मेरे रिलेटिव ही हैं, उनको भी यही कहा गया था. उनका वजन था 88 kg, स्टैंडर्ड वेट था 70 kg,
उनको मैंने कहा कि आपको इंसुलिन इंजेक्शन पर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट कट करिए, क्योंकि वो भी आपको ध्यान होगा 8 टैबलेट पर डे चार तरह की उस पर ऑलरेडी चल रहे थे। तो उन्हें मैंने क्या कहा कि आप डाइटरी प्रोटोकॉल पर जाओ, इंसुलिन का जरूरत नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे ये गोलियां बंद होंगी। तो जब आप लोड ही घटा देंगे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का, तो उतने इंसुलिन की जरूरत नहीं, और उतना इंसुलिन तो आपकी बॉडी नेचुरली बना रही है, इसलिए आप ओबीज हैं, अन्यथा आप एकदम स्लिम ट्रिम हो जाते थे, अंडरवेट, अगर आपकी बॉडी इंसुलिन कम बना रही होती या नहीं बना रही होती। तो ऐसी स्थिति में इसी मरीज का वजन 60 किलो होता था, जबकि इसकी हाइट 175 सेंटीमीटर है, या मेरे रिलेटिव का वजन जो है वो 50 या 60 किलो पर आ जाता था, उसका वजन 88 केजी था, जबकि उसका स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए था 70 किलो। तो ये बढ़ा हुआ वजन दिखाता है कि आपकी बॉडी इनफ इंसुलिन बना रही है, और ऐसी स्थिति में जब उन्होंने डाइट फॉलो किया, उनका इंसुलिन की तो जरूरत नहीं पड़ी, साथ में दवाइयां भी बंद होते होते एक गोली पर वो आ गए। तो इस केस में इंसुलिन चालू कर दिया, और ये कह करके कि आपकी प्रोस्टेट का साइज बड़ा है, और इंसुलिन खुद में ही आपके बॉडी का साइज बढ़ाता है तो प्रोस्टेट का भी साइज बढ़ाएगा। जब आप इस डाइट को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रोस्टेट के साइज में भी कमी आएगी, संभवतः आपको फ्यूचर में सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। फिर आगे सुनते हैं उन्होंने किस प्रकार के प्रोटोकॉल के ऊपर डाला, कौन कौन से मेडिसिन इस पेशेंट को दिए। Anyhow, we started the patient on degludec. Probably again in hindsight, let me say, I would have again retrospectively thinking maybe idec aspart would have been better, but it's okay, fine. So that is one. So right. तो आप पेशेंट्स को उन्होंने टोटल दवाइयां क्या दी, इंसुलिन और इंसुलिन के साथ में कुछ और दवाइयां? So he is on a glimepiride. He is on a metformin. He's on a depa, okay, and he's on a DPP-4, right, sitagliptin. Now, remember this is an obese guy, so if cost was not an issue, so which drugs I'll skip? Depa immediately, because the patient already has a GTI and UTI, and he's planned for a prostate surgery, so depa, and of course surgery itself, you know, 3 or 4 days before surgery, you have to stop SGLT2 inhibitor, so there is no way you're giving SGLT2 in this patient. The other drugs we'll discuss in a minute. So would this patient be a good candidate for semaglutide or GLP? Absolutely, right? In fact, either semaglutide or liraglutide, but I prefer semaglutide, of course, being oral agent and convenient to give and better response. Semaglutide would have been a great choice. Only issue is cost, so this patient could not afford. So we decided not to give semaglutide. Otherwise, this patient was an ideal candidate for semaglutide. So fine, we continued this patient on, right? We continued the sitagliptin. So in fact, I gave him a sita plus metformin combination. Okay, so 50 by 500 twice a day. Okay. Now he's on a glimepiride, and I'm not a big fan of glimepiride, especially if I'm starting the patient on insulin. So what I did was I switched from glimepiride to glyclazide, extended release. This is my usual practice. Okay, so you can say a little bit of bias, but when you have, so what I do is when the patient is on 1 milligram of glimi, I switch to 60 milligram of glycla. And if it's on 2 milligram, you get the drift, right? I switch to 120 milligram. So 60 extended release twice a day. So I switch to glyclazide. Again, you can say a personal preference. Third drug which I absolutely love to give is acarbose. Right. So this patient again, candidate for acarbose. Yes, post-meal sugars are high. So I started the patient on 50 milligram TDS of acarbose, right? Okay, let's look at some other situations, right? So you can see his blood pressure is high. तो आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि डॉक्टर ने पेशेंट को इंसुलिन पर डाला, उसका डेपाग्लिफाजोन बंद किया, और डेपाग्लिफाजोन की जगह पर उन्होंने एकार्बोस स्टार्ट कर दिया। मतलब उसके यूरिन इन्फेक्शन में तो कंट्रोल आएगा, परंतु पेट की समस्याएं शुरू हो जाएंगी, और उसके साथ में ग्लिमिप्राइड को रोक करके किसी दूसरे प्रकार का सल्फोनाइल यूरिया ड्रग उसको दे दिया गया। अब इस पेशेंट को अगर डाइटरी कंट्रोल के ऊपर डाला जाए
तो जैसे ही इसके कार्बोहाइड्रेट को हम कंट्रोल करेंगे, इसकी ब्लड शुगर अपने आप घटने लगेगी। अब यदि ये पेशेंट मॉर्निंग में इसकी ब्लड शुगर आती है 150 के ऊपर, मॉर्निंग में सपोज करो ये ब्रेकफास्ट नहीं लेता है, तो बॉडी किस प्रकार रेसिप्रोकेट करेगी? पॉसिबल है कि दोपहर आते आते इसकी ब्लड शुगर ड्रॉप होकर के 120 और 130 पर आ जाए या 100 पर आ जाए। ऐसी स्थिति में जब लंच टाइम में ये लो कार्ब डाइट लेगा तो इसकी ब्लड शुगर स्पाइक करके 200 के ऊपर नहीं जाएगी और पहले ही दिन से इसके ब्लड शुगर में कमी आने लगेगी, दवाइयों के डोजेस घटने लगेंगे। उसकी जगह पर किया क्या गया, इसको 3 टाइम के लिए इंसुलिन के ऊपर डाल दिया गया, दवाइयों को बदल दिया गया, खाना पीना जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलने दिया। मैं आपको दावे के साथ में बोल सकता हूं, जितने भी इस प्रकार के ओबीस पेशेंट हैं, उन पेशेंट्स को अगर डाइट के ऊपर डाला जाए तो उनको इंसुलिन की जरूरत नहीं है, और जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं उनके इंसुलिन धीरे धीरे बंद होंगे। जब आपकी सुबह की ब्लड शुगर 150 है तो इनके खून के अंदर ऑलरेडी 50-60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑलरेडी ग्लूकोज ज्यादा है, 27 किलो बॉडी के अंदर फैट है, तो ये तो सवाल आता ही नहीं है कि दोपहर तक सर्वाइवल कैसे होगा। अगर आपने अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर लिया तो दोपहर तक सर्वाइवल इजी है। ऐसी कंडीशन में यही ब्लड शुगर दोपहर तक ड्रॉप होकर के 110, 120, 130 तक आ जाएगी। अब यहां पर कई डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप सुबह में भूखे रहेंगे तो आपकी ब्लड शुगर बढ़ती चली जाएगी, आप एक बार करके देखिए। अगर किसी मरीज को टाइप 1 डायबिटीज है तो उसकी ब्लड शुगर बढ़ती चली जाएगी, पर अगर टाइप 2 डायबिटीज है, जैसा कि ये ओबीज है, इनकी ब्लड शुगर बढ़ेगी नहीं, 10 या 15 मिलीग्राम तक बढ़ सकती है, उसके बाद में ये घटेगी, क्योंकि बॉडी उस ग्लूकोज को कंज्यूम करेगा, बॉडी में इंसुलिन इनफ बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में दोपहर आते आते जब ब्लड शुगर ड्रॉप होगा और फिर आप लो कार्ब डाइट लेंगे तो उसका बेनिफिट आपको दवाइयों के डोजेस घटाने में और ब्लड शुगर को ड्रॉप करने में दोनों में मिलेगा। और फिर आपकी बॉडी जब फैट का इस्तेमाल करेगी तो सबसे पहले आपके खून से शक्कर जाएगा, फिर आपके लिवर और मसल्स का शुगर जो ग्लाइकोजन के रूप में है वो जाएगा, फिर जो ट्राइग्लिसराइड आपके ब्लड में घूम रहा है क्योंकि एनर्जी डेफिसिट में चले गए फास्टिंग करने से, तो वो ट्राइग्लिसराइड यूज होगा और आप कुछ समय के अंदर देखेंगे कि आपको स्टेटिन्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि इन्होंने उनको स्टेटिन भी आगे जाकर के दिए हैं। और जो स्टेटिन्स की जरूरत पड़ती है वो क्यों पड़ती है, क्योंकि आपके ब्लड में शुगर ज्यादा है, आपका लिवर उस शुगर को कन्वर्ट कर रहा है फैट में और डाल रहा है ब्लड स्ट्रीम में, तो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, उसके सामने आपको डॉक्टर गोली दे रहे हैं। जब आप अपने डाइट पर कंट्रोल करते हैं तो आपके शुगर के साथ में ट्राइग्लिसराइड के लेवल अपने आप ड्रॉप होने लगते हैं, आपको फैट और आपके कार्बोहाइड्रेट पर कंट्रोल रखना है, और इसके बाद में आपका फैट घटना जब चालू होता है ट्राइग्लिसराइड के साथ में आपके लिवर का फैट, तो फैटी लिवर का इलाज होता है, बॉडी का वेट घटने लगता है, कुछ समय के बाद में आप देखते हैं आपका ब्लड प्रेशर वगैरह भी नॉर्मल आने लगता है, तो आप नॉर्मेंसी की तरफ जाते हैं। और यहां क्या हो रहा है, आप अपनी चीजों को मैनेज करते हुए बीमार से और बीमार होते हैं। यहां मेरा ये कहना नहीं है कि आप उन डॉक्टर्स पर भरोसा ना करें, उन डॉक्टर्स पे पूरा भरोसा करें, या तो उस स्ट्रीम के थ्रू अपना सीरियस ट्रीटमेंट करें या फिर डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफ स्टाइल पर स्विच करके धीरे धीरे दवाइयों के डोजेस घटाएं, क्योंकि वो स्ट्रीम ही हमारी एलोपैथ की इस प्रकार की है, उसके अपने प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से इलाज किया जाता है। पर अगर आप अपनी डाइट का लाइफ स्टाइल का ख्याल रखते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलता है, दवाइयों के डोजेस काफी रिड्यूस होते हैं, और ऐसे पेशेंट अपनी डायबिटीज का ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसका रेमिजन और रिवर्सल भी कर पाते हैं। और इससे रिलेटेड कई वीडियोस मैंने मेरे पोर्टल पर डाले हैं, आप जाकर उन्हें देखेंगे तो आपको भरोसा होगा और आप भी कर पाएंगे। फिर भी यदि आपकी डायबिटीज रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप सामने दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।